नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको SEEPZ सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में बताऊंगा। तो भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है SEEPZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और नीचे चलकर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंधेरी ईस्ट मुंबई यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब नीचे चलकर आपको ये टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, और साथ में आपको मेल आईडी भी दी गई है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप यहाँ से डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दिए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, मैं आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू में आपको वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर टोटल 13 वैकेंसी निकली है, 6 रिजर्व के लिए, सॉरी 6 जो है अनरिजर्व के लिए यानी जर्नल के लिए, 3 जो है ओबीसी के लिए, और 2 एससी के लिए, और 1 एसटी के लिए, और 1 जो है वैकेंसी वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए निकली हुई है। अब इसके बाद आपका पे लेवल दिया हुआ है, तो आपका जो पे स्केल है वो लेवल 1 का होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपकी सैलरी भी दिखाई गई है। और दोस्तों, आगे चलकर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन यानी योग्यता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू में आपको बताया गया है कि कैंडिडेट को 8वीं पास होना चाहिए, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 5वीं पास होना चाहिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी भर्ती जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसके बाद आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में दिया गया है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो है वो 185 सेंटीमीटर, और आपकी जो चेस्ट है वो 78 सेंटीमीटर नॉर्मली और एक्सपेंडेड के साथ 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका जो वेट है वो कम से कम 50 किलो होना चाहिए, और जो आपकी साइट है नॉर्मल होनी चाहिए विदाउट ग्लासेज यानी कि चश्मे के बगैर। इसके बाद आगे चलकर देखिए, यहाँ पर आपको वुमेन के फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, आपकी जो हाइट है वो 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका जो वेट है वो हाइट के हिसाब से नापा जाएगा, और आपकी जो आई साइट है वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर डिजायरेबल में दिया हुआ है, अगर आपको फायर फाइटिंग ऑपरेशन में एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा वैरीयता दी जाएगी। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, हमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको एज लिमिट्स के बारे में बताया गया है। तो आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 25 के बीच में है, और दोस्तों अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। और इसके बाद आपको पीरियड ऑफ प्रोहिबिशन बताया गया। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आपको केवल 2 साल के लिए हायर किया जाएगा, ना कि परमानेंट के लिए। और दोस्तों, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर नोट दिया हुआ है, तो नोट में देखिए दोस्तों क्या जानकारी दी गई है, कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस होंगे या फिर विदाउट फोटोकॉपीज यानी कि जो सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं उनके बगैर आपने अपना एप्लीकेशन लेटर सेंड कर दिया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, और उसके ऊपर आगे चलकर कोई भी फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। और नीचे चलकर आप डेवलपमेंट कमिश्नर के यहाँ पर सिग्नेचर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ऑनलाइन फॉर्म करके एक साइट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी भर्ती की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।